Yes, good morning students. Welcome to this channel. I have started the video series on data file handling, which is of chapter 5 according to your book. We have already covered text file handling, and we are doing these are some operations on the binary file which we can perform on binary file. Jisme ki writing in a file, reading from a file, or appending a record in a file, ये आप already पिछले वीडियो में देख चुके हो. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्चिंग अ रिकॉर्ड इन अ फाइल, हाउ टू सर्च अ रिकॉर्ड इन अ फाइल. ये टॉपिक आज हम कवर अप करेंगे कि सर्च आप किस तरह से करते हैं. तो शैल वी स्टार्ट. सबसे पहले आप पाइथन आइडियली ओपन करेंगे. See, the basic part is, आप ध्यान दीजिएगा, search means what? Means records are already there. Records वहाँ पे हैं और आपको particular record को search करना है और display कराना है उसके corresponding values को. So what does this mean? That means कि आप क्या करेंगे, आपको read करना पड़ेगा. ठीक है, आप रीड करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रिकॉर्ड टिल द एंड. जिस पॉइंट पे भी रिकॉर्ड आपका मिल जाता है, ठीक है, जो रिकॉर्ड आपको सर्च करना है वो वहां से वैल्यू गेट करके वो डिस्प्ले उसको करना चाहिए. ये मेरा बेसिक पार्ट रहेगा. हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि आप राइट कैसे कर रहे थे फाइल में और आप रीड कैसे कर रहे थे फाइल के अंदर. सो रीड हम कैसे कर रहे थे फाइल में, सबसे पहले आप पिकल मॉड्यूल कर रहे थे, तो रीड करने के लिए आपको फाइल को ओपन करना पड़ रहा था. देन उसके बाद लोड फंक्शन से आप लोड करके एक वेरिएबल के अंदर डिस्प्ले करा रहे थे. ठीक है, अब देखिए, समझिए, मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ. ठीक है, आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू फाइल. अब यहाँ पे जो चीज मुझे नहीं चाहिए, मैं सर्च करूंगी. ठीक है, ठीक है. तो सब जब यूजर ऑप्शन 3 प्रेस करेगा तो हमारा सर्च फंक्शन कॉल होना चाहिए. राइट, सर्च फंक्शन कॉल होना चाहिए. तो उसके लिए मुझे सर्च फंक्शन को लिखना भी पड़ेगा. ठीक है, नाउ जस्ट चेक इट आउट. मैंने क्या कंसेप्ट बताया, बेसिक क्लियर होना चाहिए. सर्च मीन्स व्हाट, कि द कंटेंट इज ऑलरेडी देयर. आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिकॉर्ड आपको सर्च करना है, दैट मीन्स आपको रीड करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, हम ये जो पार्ट लिखा हुआ है हमने इसको कॉपी करते हैं. ठीक है, हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं सर्च. राइट, नाउ सबसे पहले फाइल आप ओपन करेंगे, आइदर विद ओपन स्टेटमेंट से आप फाइल ओपन करिए, और अदरवाइज आप ओपन फंक्शन के थ्रू भी फाइल ओपन कर सकते हैं. सपोज एफ इज इक्वल टू ओपन. दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में. ठीक है, विद ओपन के साथ आपको क्लोज अलग से क्लोज नहीं करनी पड़ती है फाइल. विद इन दैट ब्लॉक, विद ओपन ब्लॉक में ही फाइल, आप उसके बाहर जैसे ही आएंगे फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी. बट हेयर विद द हेल्प ऑफ दिस ओपन फंक्शन यू हैव टू एक्सक्लूसिवली क्लोज द फाइल. सो ओपन करते हैं हम, कौन सी फाइल है हमारी, स्टूडेंट 1.dat फाइल. राइट, अब इसको किस मोड में ओपन करना पड़ेगा, अभी मैंने बोला आपको कि हम यहाँ पे पहले उसको रीड करेंगे. ठीक है, रीड करेंगे, फाइल को रीड करने के बाद ही पता चलेगा दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड इज देयर और नॉट. तो हमने रीड मोड में इसको ओपन किया. नेक्स्ट थिंग क्या होती है, नेक्स्ट क्या पार्ट क्या होगा, मैंने जो फाइल ओपन करी है उसके कंटेंट को लोड करना पड़ेगा. सपोज मैंने यहाँ पे एस इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल, लोड किसका फंक्शन है, पिकल मॉड्यूल का, पी डॉट लोड. आप क्या कर रहे हैं इस स्टेप में, जो फाइल ओपन हुई है उसके कंटेंट को आप ये देखिए, उसके कंटेंट को आप
एस में लोड कर रहे हैं ना, एस वेरिएबल के अंदर लोड हो रहा है। नाउ अब क्या करना है, मुझे यूजर से पूछना है कि रोल नंबर कौन सा उसको सर्च करना है, विच रोल नंबर ही और शी वॉन्ट्स टू सर्च। सो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू द यूजर। तो मैं क्या करूंगी, आई एम जस्ट टेकिंग, लेट्स से मैंने यहां पे लिया वेरिएबल, ले लेते हैं लेट्स से वॉन्ट। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। इनपुट करवाना है मुझे, इनपुट ठीक है, एंटर द रोल नंबर यू वॉन्ट टू सर्च। आर यू गेटिंग, ठीक है। अब इंट मेरा रोल नंबर इज ऑफ इंटीजर टाइप, तो मैंने इसको यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया। Are you getting my point? और वो वैल्यू स्टोर कहाँ पे हो रही है, वॉन्ट वेरिएबल में। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब क्या करना है, अब मुझे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड फाइंड आउट करना है कि वैल्यू कहाँ पे है, किस पॉइंट पे, और जहाँ उसको मिलती है वो डिस्प्ले कर दे, नहीं मिलती तो डिस्प्ले करे रिकॉर्ड नॉट फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, सिंपल स्टार्ट करें हम, यहाँ पे हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर आई इन, लोड किस में हुआ है, एस में, तो फॉर आई इन एस। ठीक, नाउ चेक करना है मुझे, क्या चेक करना है, इफ आई की जीरोथ पोजीशन पे, याद होगा आपको बताया था, समझाया था कि आयत की जीरोथ पोजीशन पे क्या जा रहा था, रोल नंबर। और जिसको क्लियर नहीं है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो एक बारी गो थ्रू कर लीजिए। आयत जीरो पोजीशन पे हमारा रोल नंबर जा रहा है, इज इक्वल टू क्या मेरा एस के इक्वल है जो यूजर वॉन्ट सर्च करना चाहता है। सो इफ आई ऑफ जीरो इज इक्वल टू एस, तब क्या करना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट वॉट, सबसे पहले हम रिकॉर्ड फाउंड ये डिस्प्ले कराना चाहते हैं, फाइन, एंड देन प्रिंट करवाते हैं वैल्यूज। So I zero comma, ठीक है, I first position पे जो है, ठीक है, then I किस position पे, second position पे जो भी value पड़ी है उसको display कर दो, fine। और यहाँ पे मैं एक variable लेती हूँ found, और found is equal to one, और यहां पे इसकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू में फाउंड इज इक्वल टू वन ले लेती हूं, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहती हूं मिल जाता है रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दे और फिर वो ब्रेक कर दे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अच्छा एल्स ले लेते हैं, एल्स क्या करे, else found क्यों लिया मैंने, because मैं यहाँ पे because record not found भी display कराना है। अगर मैं else found is equal to zero हम initialize कर देते हैं, मैंने ये क्यों किया ये समझिए, अगर let's say for example if I display the print statement record not found here, तो क्या होगा, let's say fourth position पे मेरा record मिला है, roll number four fourth पोजीशन पे है, तो जब जब आपका पॉइंटर फर्स्ट पोजीशन पे होगा तब वो फिर अगेन रिकॉर्ड नॉट फाउंड डिस्प्ले करेगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा तब फिर रिकॉर्ड नॉट फाउंड डिस्प्ले करेगा। हम ऐसा नहीं चाहते, नंबर ऑफ टाइम्स हम रिकॉर्ड नॉट फाउंड डिस्प्ले नहीं कराना चाहते, हम ये चाहते हैं जब उसको पूरा कंप्लीट सर्च करने के बाद रिकॉर्ड नहीं मिलता है तब वो डिस्प्ले करे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो इसीलिए मैंने फाउंड की वैल्यू यहाँ पे जीरो ले ली। अब मैं इसको कहाँ पे इसको यूज करूंगी, देखिए इफ चेक करते हैं, इफ फाउंड इज इक्वल टू जीरो, अगर फाउंड की वैल्यू इस लूप से बाहर आकर के जीरो मिलती है तो वो डिस्प्ले करे रिकॉर्ड नॉट प्रिंट, तब यहां पे वो डिस्प्ले करे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, राइट, ठीक है।
क्लियर होगा. सो इफ फाउंड इज इक्वल टू जीरो तब वो प्रिंट करेगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और लास्ट में हम क्लोज कर देंगे किसको, फाइल को. सो फाइल हमारी ओपन कैसे हो रही है, एफ से, एफ डॉट क्लोज. सो सिंपल. राइट नाउ अब जस्ट चेक कर लेते हैं नीचे. देखिए हमने यहाँ पे मेन्यूज ऑलरेडी क्रिएट किए हैं. ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा सर्च का है. अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ. राइट सेव करती हूँ मैं. अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेती हूँ. सो लेट्स चेक इट आउट. So we have 1, 2, 3, these three records we are having in my file. So enter the option. अब मुझे search करना है. So मैंने 3 किया, enter. Enter the roll number you want to search. Let's see 2. Okay. Record not found error आ रही है. I'll just check it out. चलो देखते हैं कि कहाँ पे problem है. 0. Oh. Oops, देखिए मैंने क्या किया, वॉन्ट में मैं यूजर से गेट करा रही हूँ, यहाँ पे एस लिख रही हूँ. सो सिली आई हूँ. ठीक है, इफ आई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वॉन्ट तो क्या करना है, डिस्प्ले करो. ओके फाइन, अब चलाते हैं इसको, एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, नाउ डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन पे लेते हैं. एंटर द रोल नंबर यू वॉन्ट टू सर्च, नंबर 2. सी हेयर रिकॉर्ड फाउंड डिस्प्ले किया है उसने, और जो रिकॉर्ड है ऑलरेडी उसको डिस्प्ले कर रहा है 2 अजय, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ द रिकॉर्ड, और उसके बाद फिर मेन्यू डिस्प्ले करा रहा है. आर यू गेटिंग किस तरह से आप सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, एक बार और करके दिखाते हैं. यहाँ पे देखिए एंटर द ऑप्शन. लेट से मैंने लिया क्या ऑप्शन है, 3. एंटर द रोल नंबर यू वॉन्ट टू सर्च. लेट से आई एम वॉन्ट टू सर्च रोल नंबर 3. सो सी हेयर रोल नंबर 3 आपका सर्च डिस्प्ले करा रहा है. एंटर द ऑप्शन, एक बार और ट्राई करते हैं. सो 3. एंटर द रोल नंबर यू वांट टू सर्च, 6, जो एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड डिस्प्ले कर रहा है. सो आई यू आई होप आपको क्लियर होगा हुआ होगा. तो एक बारी रिकैप कर लेते हैं. सर्च करना मींस फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना है. तो ऑब्वियसली पहले आप फाइल को ओपन किस फॉर्म में करोगे, रीड मोड में ओपन करोगे, फिर यूजर से यहां से पूछोगे कि वो यूजर कौन सा रोल नंबर सर्च करना चाहता है या कौन सा पर्टिकुलर रिकॉर्ड वो सर्च करना चाहता है. आप क्या करेंगे, देन उसके बाद एक वेरिएबल में वो वैल्यू इनपुट करा लेंगे, देन आप लोड कर रहे हैं ना, लोड एस में कर रहे हैं. एस में क्या वैल्यूज आ रही हैं, सारी वैल्यूज आ रही हैं ऑफ द फाइल. देन आफ्टर दैट आप क्या कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द एंड, और यहाँ पे आप कंपेयर करा रहे हैं. अगर उसको रिकॉर्ड मिल जाता है तो रिकॉर्ड फाउंड डिस्प्ले करेगा और वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, और अगर नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे फाउंड इज इक्वल टू जीरो इनिशियलाइज करा रहे हैं, और यहाँ पे उसको ट्रेस कर रहे हैं कि फाउंड इज इक्वल टू जीरो तभी वो डिस्प्ले करे रिकॉर्ड नॉट फाउंड. तो आप ये करके देखिएगा, अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड यहाँ पे लिख देते हैं तो वो एवरी टाइम रिकॉर्ड जहां जहां उसको नहीं मिलता, सपोज 10 रिकॉर्ड्स हैं और 10 रिकॉर्ड्स वो बिगनिंग से एंड तक सर्च करता है और रिकॉर्ड सपोज नहीं मिलता है तो 10 टाइम्स वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड डिस्प्ले करेगा. आई डोंट वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट कि वन टाइम वो पूरा सर्च करने के बाद डिस्प्ले करे. इसलिए मैंने फाउंड इज इक्वल टू जीरो को यहाँ पे ट्रेस करके और रिकॉर्ड नॉट फाउंड यहाँ पे डिस्प्ले कराया. मैंने ओपन फंक्शन यूज किया था तो I have to exclusively close my file. तो मैंने f.close function से, close function से file को close कर दिया. ठीक है? ये आपका search function था. तो हमने यहाँ पे menu already create किया था. Menu क्या कर रहा था? आपका display कर रहा था. So one.write, read, search and exit. तो यहाँ पे हम user से option पूछ रहे थे and then उसके बाद इसको execute कर रहे थे. ठीक है, यूजर अगर 1 इनपुट करता है तो राइट फंक्शन कॉल होना चाहिए, यूजर 2 इनपुट करता है तो रीड फंक्शन कॉल होना चाहिए, यूजर 3 इनपुट करता है तो सर्च फंक्शन आपका कॉल होना चाहिए. सो होप आपको सर्च किस तरह से परफॉर्म करना है वो समझ आया होगा.
एक पॉइंट और है, सपोज आप रोल नंबर से सर्च नहीं करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप नेम से सर्च करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको यूजर से नेम इनपुट कराना होगा, ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर, फिर आप आइटरेट करेंगे एंड देन यहाँ पे बिकॉज आईएथ सब्सक्रिप्ट नंबर जीरो पे, इंडेक्स वैल्यू जीरो पे आपका रोल नंबर आ रहा है, तो मैं नेम से सर्च कराना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू वन को कंपेयर कराऊंगी, ठीक है। अगर आप मार्क से सर्च कराना चाहते हैं तो आप इंडेक्स वैल्यू टू के साथ कंपैरिजन कराएंगे। सो मेरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम सर्च फंक्शन परफॉर्म करेंगे ऑन बाइनरी फाइल्स। थैंक यू बेटा।